हाय एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। और आ चुके हैं प्लेइंग टीएच 11 गेम चेंजर अकाउंट में, जबकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ करना है। यस, बहुत सारा मतलब सच में बहुत सारा कुछ करना है। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि क्वीन को अपग्रेड कर सके, क्योंकि क्वीन जो है वहाँ पे हमें लगेगा 172,000 और हमारे पास 158,000 है। तो अगर हम 3-4 अच्छे सक्सेसफुल रेड्स कर सके सो मे बी हमें क्वीन को अपग्रेड करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो बुक है वो भी अवेलेबल है और अच्छा खासा स्ट्रेटजी में मेरे पास लूट भी पड़ा हुआ है। उसी के साथ गाइज एक डिफेंस को अपग्रेड करेंगे, और ऐसा एक डिफेंस अपग्रेड करेंगे जो कि थोड़ा कॉस्टली होगा, मे बी एक एयर डिफेंस, क्योंकि डिफेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइटल होते हैं टीएच 11 पे। हर टीएच होते हैं टीएच पे, बट टीएच 11 12 पे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर अटैक्स इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड ड्रैगन से बहुत ज्यादा अटैक्स होते हैं। तो उस हिसाब से हमें जल्द से जल्द एयर डिफेंसेस को अपग्रेड कर लेना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ एलिक्सिर, तो एलिक्सिर अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन वॉल्स, क्योंकि वॉल्स के अलावा मेरे को कुछ खासा ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। सो कोशिश करेंगे। और उसी के साथ गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं जो मैं करीब हूँ, जैसे कि यहाँ पे वॉर का है वो तो मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा, डार्क एलिक्सिर का मे बी हो जाए, डोनेशन का बचा हुआ है, अपग्रेड्स का बचा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं इस वाले वीडियो में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, थोड़ी फार्मिंग करेंगे, थोड़े रेड्स करेंगे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक देना, चैनल में फर्स्ट टाइम हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा बहुत जल्द जैसे मेरे को एक बेस मिल जाता है। और गाइज एक चीज़ आपको याद हो कि मैंने वीडियो बनाई थी कि जो अलग अलग टीएच लेवल के कंपटीशन हो रहे हैं, और गाइज वहाँ पे एक चीज़ आपको आपको पता होगा कि टीएच 11 का भी है जो कि नवंबर में है। तो मेरी एम ये है कि नवंबर तक मैं मैक्स हो जाऊँ, मतलब वॉल्स करना मुश्किल होगा बट डिफेंस और हीरोज़ और सारे ट्रूप्स के साथ मैं मैक्स हो जाऊँ नवंबर तक, जो कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जैसे मेरे को एक अच्छा खासा बेस मिलता है, लूट अच्छा मिलता है, मैं वापस आता हूँ और देखते हैं कुछ अच्छा रेड करते हैं, कुछ अच्छा फार्मिंग करते हैं। ओके गाइज, सो ये वाला बेस मेरे को मिला। यस मेरे को पता है ये टीएच 12 है, बट टीएच 12 के हिसाब से ये थोड़ा वीक बेस है, तो मे बी हम इसको निकाल पाएंगे। लूट काफ़ी अच्छा ऑफर है, ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास का गोल्ड एलिक्सिर है, उसके साथ 4,000 से ज़्यादा यहाँ पे डार्क एलिक्सिर अवेलेबल है। तो गाइज कोशिश करेंगे कि इस बेस को 3-स्टार करें, मे बी कर पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। गाइज सबसे पहले मैं क्वीन वॉक स्टार्ट करूँगा फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, यहाँ से। सो ये ड्रॉप करी मैंने क्वीन को एक कोकोनट बलून, कोकोनट बलून मतलब अगर कोई स्नीकिंग माइन है उसे चेक करने के लिए ड्रॉप करते हैं हम। और एक ड्रैगन ड्रॉप कर रहा हूं यहां पे, ताकि ये जो साइड है ये पोर्शन जो है ये फनल हो जाए अच्छे से। और यहां पे एंट्री लेंगे हम लोग यहां पे ईगल आर्टिलरी के कंपार्टमेंट से। तो ये अभी जो थॉट है वो तो यही है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान सब कुछ चलता है या नहीं चलता। वार्डन अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि इस अटैक में ड्रैगन्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेंगे। सो देखते हैं सब कुछ सही जाता है या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। क्वीन ने एयर डिफेंस निकाल दिया, यहाँ पे एक्सबो को भी निकाल देगी, उसके बाद क्वीन जैसे थोड़ी राइट को जाएगी मैं यहाँ पे वॉल ब्रेक करूँगा, और वॉल ब्रेक करने से पहले किंग को यहाँ पे ड्रॉप करके मैं थोड़ा फनल कर दूंगा, ताकि क्वीन जो है वो बाहर ना घूमे और अंदर ही जाए, ठीक है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है गाइज, अब लोग वॉल ब्रेक करेंगे और दो वॉल ब्रेकर्स काफी होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा गाइस यहां पे जो वॉल्स है वो काफी लो लेवल के हैं, ठीक है। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, और क्वीन जो है वो यहाँ पे निकाल देगी ईगल आर्टिलरी को, और ईगल को निकालने के बाद आई डोंट थिंक कि क्वीन कहाँ जाने वाली, आई हैव नो आइडिया, हो सकता है बाहर, यस मेरे को लग ही रहा था। ओके ठीक है, इसको निकालने के बाद फिर देखते हैं, वापस आ रही है क्वीन, वेरी नाइस ऑफ क्वीन। ओके सो क्वीन वापस आ चुकी है, और यहाँ पे आने के बाद उसने एयर डिफेंस को निकाला है, दो स्नीकिंग माइंस मेरे क्वीन को लगे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, बट फिर भी आई विल मैनेज। अभी तक तो हम लोग अच्छा मैनेज कर रहे हैं, और मेरे वॉल ब्रेकर्स आ रहे हैं, मे बी वॉल ओपन कर पाए, आई डोंट नो, क्योंकि ओके वॉल ओपन कर दिया, दिस इज गुड। ओके सो गाइज अभी तक तो सब कुछ बहुत सही चल रहा है, एंड आई थिंक कि अब मेरे ड्रैगन्स और बाकी चीज़ों को ड्रॉप करने का अच्छा वक्त आ चुका है। तो पहले बलून्स को ड्रॉप करते हैं, उसके पीछे सीज मशीन, और उसी के साथ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे थोड़ा फ्रीज करते हैं, एंड यहाँ पे रेज करते हैं, हीलर्स को रेज का इफेक्ट नहीं मिला है, दिस इज नॉट गुड। ओके फाइनली ओके सो वार्डन की एबिलिटी मैंने टैप करके वहाँ पे बचा लिया अपने क्वीन को, और आई थिंक यहाँ पे मेरे को एक फ्रीज करना चाहिए इस इन्फर्नो टार को, और यहाँ पे एक रेज डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन्स एक साथ मर्ज हो रहे हैं, तो अच्छा वैल्यू मिलेगा रेज का। यहाँ पे फ्रीज करते हैं सिंगल इन्फर्नो टार को, और आई थिंक दिस इज इट गाइस, दिस इज इट, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब कोई भी ज़्यादा बड़ा थ्रेट यहाँ पे है।
के यहाँ पे एक रेज करते हैं, फाइनल रेज है मेरा, और इसी के साथ आई थिंक दिस इज इट। यार क्या हो रहा है इतना टाइम, ओके फाइनली यार इतना कभी कभी लग रहा था कि होगा नहीं, मतलब टाइम टेकिंग हो रहा था प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा, बट फिर भी हमने निकाल दिया और यहाँ पे एक 3 स्टार देखने को मिला। टी एच 12 था बट वीक टी एच 12 है, और वीक टी एच 12 में 3 स्टार निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो ये अच्छा रेड रहा हमारे साथ, बहुत सारा हमें बोनस भी मिला और काफ़ी अच्छा अटैक रहा। यहाँ पे हमें 5 स्टार का बोनस वो भी मिल गया, और यहाँ पे अचीवमेंट भी कुछ कंप्लीट हो रही है शायद से। तो चलिए गाइस, ये फर्स्ट रेड तो काफ़ी सक्सेसफुल था और मेरे पास काफ़ी सारा गोल्ड हो चुका है, तो थोड़ा गोल्ड इन्वेस्ट करना पड़ेगा वरना स्टोरेज फुल हो जाएगा तो गोल्ड वेस्ट होगा। तो थोड़ा काम ये करते हैं गाइस कि यहाँ पे एक दो पीसेस ऑफ वॉल्स अपग्रेड कर लेते हैं, आई थिंक एक पीस काफ़ी होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से सेम प्रोसीजर, जैसे मेरे को बेस मिलता है मैं वापस आता हूँ और फिर से यही कोशिश रहेगी कि अच्छा लूट निकालूँ, एक अच्छा अटैक कर पाऊँ। तो चलिए वापस आता हूँ तुरंत। सो गाइस वी आर बैक, और ऐसे बेस की मेरे को खासा ज़रूरत थी, मेरे को डार्क लग्जरी की खासा ज़रूरत है। आपको पता है क्वीन को अपग्रेड करना है और क्वीन को बहुत सारा डार्क चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस इस बेस पर अटैक करते हैं। एम होगी कि अगर मैं अच्छा अटैक ना भी कर सकूं तो एटलीस्ट मैं डार्क जो है वो निकाल सकूं। आई एम सॉरी गाइस, पता नहीं मैं थोड़ी देर पहले खाना खा रहा था, इसी वजह से जब भी मैं बात कर रहा हूं तो अजीब सा लग रहा है मेरे को, बट कोई बात नहीं। यहां पे हमारी क्वीन जो है वो अच्छे से वॉक कर रही है प्रॉपरली। मैं चाहता हूं कि क्वीन राइट डायरेक्शन को जाए, बट आई डोंट नो क्या होगा, देखते हैं। आई थिंक ये ड्रैगन थोड़ा फनल कर दे तो अच्छा हो। ओके सो क्वीन जो डायरेक्शन में मैं चाहता था उसी डायरेक्शन में जा रही है, सो दिस इज़ गुड फॉर मी। एनिमी क्वीन के साथ कॉम्बैट, बट मेरी क्वीन जीत जाएगी क्योंकि यस इमॉर्टल क्वीन है, उसी के साथ रेज के अंडर है और जीतना ही चाहिए। ये ड्रैगन नहीं बच पाएगा बेचारा, बट फिर भी क्वीन जो है वो ठीक डायरेक्शन को जा रही है, दिस इज़ गुड। अब मैं यहाँ पे किंग को ड्रॉप करके थोड़ा फनल बना लूँगा और उसी के साथ यहाँ पे 2 बलून ड्रॉप कर दूँगा। वेरी नाइस, सब कुछ सही जा रहा है गाइज, अभी तक सब कुछ सही जा रहा है अटैक पे। एंड फाइनली अब यहाँ पे ड्रॉप करते हैं अपने बाकी चीज़ें, ड्रैगन्स, इलेक्ट्रो ड्रैगन, ओके फाइन, यहाँ पे बाकी सारे ड्रैगन्स यूज़ कर रहे हैं। एंड आई विल ड्रॉप अ फ्रीज हियर, फाइन, ओके बलून, ओके पॉइजन करते हैं यहाँ पे, रेज 1 फ्रीज, ओके इंटेंस हो रहा है मामला तो बड़ा। ओके गाइज 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 दिस इज गोइंग ग्रेट एक्चुअली। ओके ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी जो टाइमिंग जो थी वो बहुत सही थी मेरे हिसाब से, यहाँ पे एक फ्रीज कर दूंगा इस एयर डिफेंस को और मे बी दिस इज इट गाइज, दिस इज इट। इस बेस पे भी हमने बहुत अच्छा एक प्यारा प्यारा ट्रिपल निकाल दिया है। यस मैं कंफर्म हूँ, मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि ये एक ट्रिपल है। तो गाइज अटैक्स काफ़ी कूल जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे अटैक्स जा रहे हैं और आई थिंक ऐसे अटैक्स अगर मैं करता रहूँगा इन फ्यूचर तो अच्छे रिजल्ट्स मेरे को देखने को मिलते रहेंगे। और आप लोगों को कैसा लग रहा है अटैक्स मेरे को ज़रूर बताना। सारे माइंस जो है वो ट्रिगर हो चुके हैं, माइंस का कोई खतरा नहीं है, बलून्स में भी इनफ जूस बचा है कि वो आर्चर टार को निकाल दे और बस बाकी बेस जो है वो हिस्ट्री बन चुका है। तो गाइज अटैक्स जो है वो बहुत ही प्यारे अटैक्स हो रहे हैं और आप लोग जैसे मैंने बताया प्लीज कमेंट्स में बताना अटैक्स कैसे लग रहे हैं आपको। ये स्ट्रेटजी जो है मैं टाउन हॉल 12 में भी यूज करता हूँ, आपको पता ही होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है ऑप्टिमस अकाउंट से भी मैं ये अटैक स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, काफी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है और अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट जो मेरे को डार्क लेग्जी चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है, एक और फाइनल रेड करेंगे उसके बाद कुछ अपग्रेड्स में लगा दूंगा। बिल्डर्स वैसे ज्यादा फ्री नहीं है इस अकाउंट में, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ और बिल्डर्स को हमेशा बिजी रखता हूँ क्योंकि अर्ली टी एच 11 था जब मैंने इसको बनाया था टी एच 11 और अब हम लोग धीरे धीरे इसको अपग्रेड कर रहे हैं। सो गाइज एक फाइनल रेड उसके बाद मैं अपग्रेड्स करूंगा और क्या अपग्रेड्स करूंगा ये तो आपको पता चले जाएगा जैसे हम लोग लास्ट अटैक के बाद आएंगे। सो जैसे मेरे को बेस मिलता है वापस आता हूं, लास्ट एंड द फाइनल रेड उसके बाद अपग्रेड्स, क्वीन को अपग्रेड करना है उसके साथ, देखते हैं क्या कर पाते हैं। ओके गाइज सो ये लास्ट वाला अटैक भी काफ़ी अच्छा जाएगा, मैं अभी से इतना श्योर हूँ क्योंकि बेस ही ऐसा मिला है, उसी के साथ लूट भी काफ़ी अच्छा मिला है आप देख सकते हैं। सो लेट्स गो अटैक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वीन वॉक से शुरू करेंगे, यहाँ से एक कोकोनट लून, उसी के साथ मेरे हीलर्स, फाइन, एक ड्रैगन ड्रॉप करूँगा यहाँ पे ताकि थोड़ा फनल कर दे ताकि क्वीन भी ठीक पोजीशन में जा सके, ठीक है। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, जाना भी चाहिए यार, मतलब डेफिनेटली सब कुछ सही जाएगा इस अटैक में। तो बाकी जो अटैक्स थे वो काफ़ी डिफिकल्ट थे, ये तो उस हिसाब से काफ़ी ईजी अटैक होने वाला है। एनिमी किंग डाउन हो चुका है यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये एयर डिफेंस काफ़ी लो लेवल का है इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे मेरे को। चलिए ओके सो क्वीन मैं चाहता हूँ कि बाहर बाहर ही रहे, अंदर ना जाए क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल इन्फर्नो है, उसे कॉम्बैट करने में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो रेंज से भी काफ़ी बाहर लग रहा है मेरे को। सो क्वीन राइट को जाते रहें यही मैं चाहता हूँ एंड आई थिंक कि आई
आई कैन ड्रॉप माई किंग हेयर, यहाँ पे किंग को ड्रॉप करते हैं, दो बलून यहाँ पे, एंड आई थिंक दिस इज गुड। ओके सो किंग यहाँ पे फनल कर रहा है और मेरे हिसाब से ओके क्वीन वॉल ब्रेक कर रही है, तो क्वीन को थोड़ा हेल्प करते हैं। क्या वट वॉल ब्रेक, ओ भाई क्या था। ओके चलो यहाँ पे भी सब कुछ सही ही है, ड्रॉप करते हैं एक और रेस्पल किंग की अबिलिटी। अरे यार किंग वॉल तोड़ रहा है, ये वॉल इतने तोड़ने में बिजी क्यों रहते हैं मेरे को नहीं पता। ओके क्वीन ने काफ़ी अच्छा किया है, अब क्वीन ट्रैप में फंसने वाली है, यस मेरे को पता था। ओके सिंगल इन्फर्नो इज़ वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। यहाँ पे अपने ड्रैगन्स ड्रॉप करता हूँ, पीछे से इलेक्ट्रो ड्रैगन, बाकी का बलून्स एंड ग्रैंड वार्डन, फाइन। ओके एक और फ्रीज करता हूँ मैं इसको, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़, और जितना इससे दूर रहो उतना बढ़िया। ओके यार कोई इन्फर्नो को निकाल क्यों नहीं रहा है। ओके फाइनली कुछ बलून्स आ रहे हैं इन्फर्नो को निकालने के लिए, और निकाल भी दिया इन्फर्नो को, दैट्स गुड। ओके यहाँ पे एक और फ्रीज, आई थिंक कि मैंने फ्रीज गलत डाला, नो। ओके कोई बात नहीं, एक रेज है यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और एक फाइनल फ्रीज है मेरे पास, दैट्स भाई इतना क्लोज था, ओ भाई। ओके बहुत ज़्यादा क्लोज था वो, बट अब मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्वीन ने निकाल दिया ये सिंगल इन्फर्नो को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब अटैक को कोई रोक नहीं सकता गाइज। यहाँ पे मेरे पास एक वॉल ब्रेकर बचा है जो ड्रॉप कर देता हूँ वापस लेके, कोई मतलब नहीं है। सो गाइज दिस इज़ इट, ये अटैक भी काफ़ी ठीक ठाक रहा। यस मेरे को पता है थोड़ा ऐसे सिचुएशंस बीच बीच में बन गए थे जो थोड़े रिस्की थे, बट फिर भी एंड ऑफ द डे अटैक निकल गया 3 स्टार, और काफ़ी अच्छा लूट गेन किया हमने यहाँ पे भी। अगर भाई टोर्नेडो ट्रैप ऐसा घटिया जगह में कौन रखता है मेरे भाई, कुछ अच्छा जगह में रखना ना। ओके सो यहाँ पे भी हमने अच्छा लूट निकाला, और पता नहीं कौन सा चाइनीज जैपनीज या कौन सा लैंग्वेज है, जो भी था मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लूट मेरे को देने के लिए। और क्या बचा है, ओहो एक बिल्डर हट, क्या क्वीन पहुंच पाएगी, आई थिंक सो पहुंच जाएगी, एक शॉट तो लगेगा क्वीन को। यस सो ये एक और 3 स्टार निकाला हमने, और लूट तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है हमारे पास। तो चलिए फटाफट अपग्रेड्स पे लगाते हैं चीज़ों को, और सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो डेफिनेटली क्वीन को अपग्रेड करने वाला हूँ। क्वीन कहाँ गई, यहीं पे रहती है। ओके यहाँ पे है क्वीन। ओके ये दर डाला मैंने अपग्रेड पे, फिनिश कर दूंगा विद द यूजिंग ऑफ माय बुक। गार्ड पे लगा देता हूँ फिर से, मैं गार्ड में रखता हूँ हमेशा। पता नहीं बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप हमेशा गार्ड में क्यों रखते हो क्वीन को, बट मेरे को पसंद है क्वीन को गार्ड में रखना। अब देखो गाइस एलिक्सिर बहुत सारे हमारे पास, और लैब में अभी भी टाइम है, और बिल्डर्स भी फ्री नहीं है, एक बिल्डर एक दिन 7 घंटे बाद फ्री होगा। सो एलिक्सिर को थोड़ा यूज़ करते हैं फॉर यूजिंग। ओके थोड़े वॉल्स को अपग्रेड करते हैं यहाँ पे। ओके फाइन, ओके वॉल रिंग्स भी है हमारे पास, तो उनको भी थोड़ा यूज़ पर लगाते हैं, और भी है, वाह मेरे को नहीं पता था। ओके सो अब वॉल रिंग्स 6 थे मेरे पास, तो काम पे लगा दिया हमने 6 वॉल रिंग्स को। यहाँ पे एलिक्सिर को भी मैंने काफ़ी अच्छा काम पे लगा दिया, और थोड़ा गोल्ड भी है मेरे पास। आई थिंक मेरे पास ट्रेजरी में भी काफ़ी सारा गोल्ड है, तो मैं थोड़े 2 पीस वॉल्स अपग्रेड और कर सकता हूँ, मे बी डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी है मैं इसे कलेक्ट कर लूँगा, बहुत सारा है गाइस, बहुत सारा है। ओके सो यहाँ पे और वॉल्स हम अपग्रेड कर सकते हैं, मे बी 1-2 पीसेस विद एलिक्सिर। और यस दिस इज इट, अब मेरे पास बहुत सारा गोल्ड भी है, तो गोल्ड से हम लोग क्या अपग्रेड करेंगे। मेरे सारे जो एक्सबोज है वो अपग्रेड हो चुके हैं, और एक अपग्रेड हो रहा है, इन्फर्नो टार्स भी हो चुके हैं, ईगल आर्टिलरी भी हो चुका है। ओके अब क्या करें, एयर डिफेंस जैसे कि मैं कह रहा था एयर डिफेंस अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर एयर स्वीपर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो एयर स्वीपर्स के साथ जाएंगे हम लोग, क्योंकि एयर स्वीपर्स मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खतरनाक चीज़ है भाई एयर स्वीपर्स, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने और भी यहाँ पे अचीवमेंट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। सो गाइज ये वीडियो तो काफ़ी अच्छा गया हमारे लिए, काफ़ी काम किया हमने, बहुत सारे रिसोर्सेज को हमने काम पे लगाया, यूटिलाइज किया उन्हें, और होप श्योर आपको ने भी काफ़ी इंजॉय करा वीडियो को। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक देना, चैनल में फर्स्ट टाइम हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें, एंड एज ऑलवेज गाइज जय हिंद।